Hello everyone, good morning, how are you all? So hoping you are already fine. So today I'm just going to talk about do's and don'ts. क्या करें क्या ना करें यूपीएससी सीएससी में आने के लिए जो एस्पिरेंट्स आने चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स इसको क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई होप दैट इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि इसका रिजल्ट आपको सही मिल सके, समझ सकें चीज़ों को. ओके, ये सीएससी में आने से पहले आपको इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव नॉट टू डू. ओके, तो ये समझेंगे हम आज की वीडियो में और पूरा वीडियो कोशिश करिए देखिएगा. इसके पहले आपसे बता दूँ, अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, आई हैव रिटन सम पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो यू. अगर आप फॉलो इस पॉइंट्स को करेंगे, इन सब पॉइंट्स को, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस विद इन 1 or 2 years, डेफिनेटली. देखिए, इसमें प्लस पहला पॉइंट ये है कि डिसाइड व्हाई यू वांट टू कम हियर. सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ये निश्चय करिए कि आप क्यों यहाँ आना चाहते हैं. व्हाई यू वांट टू बी आईएएस ऑफिसर, व्हाई यू वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. आप इस एग्ज़ाम में क्रैक करने के बाद आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं. व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर कमिंग दिस एग्ज़ाम, आफ्टर कमिंग दिस जॉब. इस एग्ज़ाम में आने के बाद, इस जॉब में आने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर ड्रीम, राइट. ये आपका सबसे पहले विजन क्लियर होना चाहिए. आफ्टर दैट आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. दैट इज़ द वन, फर्स्ट वन है आपका सिलेबस. सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी हैज़ क्लियर्ड इट्स सिलेबस वेरी वेल. यूपीएससी ने अपना सिलेबस बिल्कुल क्लियर किया है, बिल्कुल इसका प्रिसाइज है. जो भी चीज़ें दी गई हैं हमको उतना ही पढ़ना है, राइट. हमें बाहर नहीं जाना है, बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है. इसका सिलेबस बिल्कुल वेल नीटेड है, राइट. ये चीज़ समझना है, सिलेबस को देखिए और हो सके तो कोशिश करिए कि सिलेबस को हर हफ्ते में एक बार ज़रूर रिवाइज कर लिया करिए, राइट. इससे आपके दिमाग में हमेशा सिलेबस बना रहेगा और आप जो कोई चीज़ पढ़ेंगे, जैसे बुक्स पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको उस वो चीज़ें रिलेट कर ले जाएंगे आप अपने सिलेबस से, ठीक है. ओके, अब दूसरी चीज़ क्या, इसके बाद क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर जो हैं आपको वो देखना है. जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक जो स्टैंडर्ड्स हैं उन बुक को पढ़ रहे हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस पेपर हैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसको आप देखिए. बुक में पढ़ने के बाद आप उनको देखिए और तुरंत जैसे चैप्टर जो पढ़ रहे हैं आप, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस में आए हैं या आने वाले हैं, आप उसको गेस करके क्वेश्चन को करिए, देखिए कि क्या पैटर्न रहा है, क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है. ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है. ये अगला स्टेप हम देखते हैं कि नोट मेकिंग. नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, फॉर ऑल ऑफ अस. सबके लिए नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिसाइज नोट्स होना चाहिए सो दैट यू कैन रिवाइज व्हाइल गोइंग टू बी अपियर इन एग्जाम. एग्जाम में जब आप अपियर होने वाले होते हैं उसमें आपके पास टाइम बहुत कम होता है, एंड यू शुड मेक शार्ट नोट्स, प्रिसाइज नोट्स, सो दैट यू कैन रिवाइज विद इन आवर्स. आप कम समय में उसको रिवाइज कर सकें, राइट. मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखिए मेरा है, मैंने कुछ पॉलिटी के नोट्स बनाए हैं, उनमें से एक वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देखिए. कोई भी टॉपिक पढ़िए, आप उसे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आपको 2 मिनट से 3 मिनट में उस टॉपिक को कवर कर ले जाए, फिर से पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, राइट. ओके, दूसरी चीज़ आपको रिवाइज करना, यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स मल्टीपल टाइम्स. व्हाट इज़ मल्टीपल टाइम्स, आप बार बार उसको रिवाइज करिए. जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक दिन दो दिन आपको उसे पढ़ने पर छोड़ दीजिए, अगले तीसरे दिन चौथे दिन फिर उसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए. यू टेक अ बर्ड लुक, बर्ड लुक का मतलब थोड़ा सा आप धीरे से बर्ड सिर्फ दीजिए उसको, थोड़ा पढ़िए उसको, हल्का से रिवीजन ले लीजिए, ठीक है. ऐसे जो भी चीज़ें पढ़ ली हैं आपने उसको फिर से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है. क्लियर हो गया दोनों स्टेप्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड्स बुक. स्टैंडर्ड आपकी बुक जो होनी चाहिए, दैट मस्ट बी स्टैंडर्ड. आप देखिए सिलेबस क्या है यूपीएससी का, उसके बाद जो बुक स्टैंडर्ड है उसको देखिए. जैसे स्टैंडर्ड की बुक मैं बता रहा हूँ, जैसे पॉलिटिक की क्या है, लक्ष्मीकांत है, राइट. रमेश सिंह है इकोनॉमिक की, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री की. इस तरह से जैसे शंकर आईएएस की बुक है आपकी एनवायरनमेंट की, खुल्लर की है जियोग्राफी की, इंडियन जियोग्राफी की. तो इस तरह से जो स्टैंडर्ड्स बुक है आप उन्हीं को रखिए,
ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स रखिए। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब कि आपने जो भी रिसोर्स रखा है बुक का अपने सिलेबस के थ्रू, उसको लिमिट करिए। ना कि बहुत से, मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं, बहुत एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सी नोट्स, कोचिंग सी नोट्स हो गई, कुछ मार्केट से बुक लेते हैं, कुछ हिंदी की, कुछ इंग्लिश की, कुछ अदर राइटर्स की, इस तरह से उनके पास बल्क ऑफ बुक्स हो जाता है। ये दिस इज़ फेटल, ये फेटल है, आपको ये नहीं करना है। यू हैव टू बी केयरफुल एंड वेरी केयरफुल दैट यू शुड हैव स्टैंडर्ड बुक्स एंड दैट मस्ट बी लिमिटेड, वो लिमिटेड होनी चाहिए। आपको बुक्स रखनी है, लिमिटेड ही रखनी है, ताकि आपका ये ना डर लगे कि मुझे इतनी बुक पढ़नी है। आपके पास कम बुक्स होंगी तो आप अपने आप को मैनेज कर ले जाएंगे और बुक को जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ और मैं बताऊँगा कि बुक आप पढ़ना शुरू करिए तो उसमें कोशिश करिए कि मुझे डिसाइड करिए कि मुझे ये दो चैप्टर्स आज पढ़ने हैं, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में मुझे कवर करने हैं। एंड यू बी स्टिक्ड ऑन, आप इस पे स्टिक हो जाइए कि मुझे ये करना है तो करना है, राइट। तो आपको तीसरा पॉइंट क्लियर होगा, स्टैंडर्ड्स बुक रखने हैं प्लस लिमिट सोर्स करना है, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि डिमांड जो है एग्ज़ाम की है, जो सीएससी एग्ज़ाम होता है, उसकी डिमांड क्या है। आप ये चीज़ कहाँ से कवर करेंगे, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस कैसे आए हैं। थिंक ओवर इट, उस पर सोचिए, पॉन्डर इट, उसको गहराई सोचिए और सोचिए कि ये क्वेश्चंस, यानी यूपीएससी जो एग्ज़ाम करा रहा है, ये किस तरह के क्वेश्चंस उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है, किस चैप्टर से उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है, और इसका पूछने का तरीका क्या है। ये क्वेश्चन खुद पेश करिए और ये क्वेश्चन आप जब अकेले में बैठेंगे रात में या जब भी आपको पढ़ने का टाइम होता है, उसमें बैठिए और सोचिए कि ये क्वेश्चंस जो पूछ रहा है किस तरह से, कैसे। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, अपने आप को खूब ज़्यादा टाइम दीजिए, तब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि क्या सिलेबस इसका है और क्या डिमांड इसके एग्ज़ाम की है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट आपको चाहे प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में तो मॉक इंटरव्यू होता है, वो तो आप कर ले जाएंगे, जब आप प्री मेंस कर ले जाएंगे तो मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रीलिम एग्ज़ाम में आपको मॉक टेस्ट कितना हेल्पफुल है। मॉक टेस्ट बहुत ही आपका हेल्पफुल है, बिकॉज दूसरी चीज़ ये भी है कि मॉक टेस्ट करने से हमारी गलतियाँ हमें पकड़ में आ जाती हैं कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। बिकॉज जब हम मेंस फाइनल एग्ज़ाम में बैठते हैं, प्री में जब बैठते हैं, तो उस समय हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम फिर से टेस्ट अपने आप को कर सकें, क्योंकि हमारा अगर हम वहाँ टेस्ट करेंगे तो हमारा एक साल लॉस हो जाएगा। दिस इज़ वाई आपको ये करना है, मॉक टेस्ट देने हैं जितने भी आप दे सकें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अपनी गलतियों को रिमूव कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट देने से। अब दूसरी चीज़ है कि मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको, आप चाहें तो शुरू से ही, जैसे आप सिलेबस शुरू कर रहे हैं पढ़ना, आप पहले साल पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसी समय देना दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा 100 क्वेश्चन लेके ही बैठना है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने मान लीजिए चैप्टर, दो चैप्टर पढ़ लिया, दो चैप्टर्स में जितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो देखिए, उसको टेस्ट दे लीजिए, राइट, तुरंत कर लीजिए। इसका मतलब जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं या कितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, ये खुद माइंड के क्रिएट करिए माइंड में और उसको फिर आंसर करिए। ठीक है, पढ़ते समय ही आप उसको क्वेश्चन बना लीजिए, फ्रेम कर लीजिए, प्री और मेंस दोनों टाइम में। ठीक है, पढ़ते समय ही, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी समय वो चैप्टर पढ़ते समय ही आप तुरंत क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हमारा, वर्क हार्ड, डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंट। क्या मतलब इसका, वर्क हार्ड, आपको वर्क हार्ड करना है, राइट। इट इज़ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। यहाँ आपको वर्क हार्ड करना है। वर्क हार्ड का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे W into D is equal to write result। इसका मतलब क्या है, W मतलब वर्क, D मतलब डायरेक्शन, is equal to write result। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो डायरेक्शन सही होने चाहिए। अगर काम आप कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप अकेले दीवार को ढकेल रहे हैं लेकिन दीवार अपनी जगह से विस्थापित नहीं हो रही, थोड़ा भी मूव नहीं कर रही है, और आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहे हैं, आपने मेहनत तो की, आपने वर्क तो किया, वर्क हार्ड तो आपने किया, बट द डायरेक्शन वॉज नॉट राइट, डायरेक्शन आपका सही नहीं था, दिस इज़ वाई द रिजल्ट विल बी ज़ीरो। ये आपको ध्यान देना, W into D is equal to right result, this is my formula to successful। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं अगला क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब कि आपने सिलेबस देखा, आपने पढ़ना भी शुरू किया, आपने सिलेबस भी बना दिया, सिलेबस के साथ साथ आपने शेड्यूल भी बना दिया, आप पढ़ना शुरू कर दिए, दो दिन चार दिन आपने पढ़ा, उसके बाद खूब मन लगा आपका, फिर क्या हुआ कि दो तीन दिन चार दिन एक हफ्ते जाते जाते मोटिवेटेड आप ऑलरेडी हैं, उसके बाद इधर क्या होता है अनमोटिवेटेड थे, इसका मतलब डीमोटिवेट होने लगते हैं। अब डीमोटिवेट होते हैं तो आपका डिसिप्लिन क्या होता है, डिसबैलेंस्ड हो जाता है, यानी आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। अब आप जो चार घंटे पहले पढ़ रहे थे, अब वो एक घंटे दो घंटे या कुछ और काम में व्यस्त होने लगे, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है आपको, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसके प्रति। कंसंट्रेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन का मतलब आपको कंसंट्रेशन अपना भंग नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू बी आईएएस ऑफिसर, देन डेफिनेटली यू हैव टू बी आईएएस ऑफिसर। आपको अपने आप को बताना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि मुझे बनना है तो बनना है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। दिस इज़ वाई आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप कॉन्स्टेंट नहीं है तो कभी 10 घंटे पढ़ेंगे, कभी 12 घंटे, कभी एक भी घंटे नहीं पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूसली अगर आप एक साल तक पढ़ेंगे तो आई होप एक साल का एग्ज़ाम ये है ही, एक साल अगर आप कंटिन्यूसली, मान लीजिए आपने डिसाइड करा कि मुझे 10 घंटे रोज़ पढ़ना है, ठीक है, 10 घंटे मत पढ़िए, आप डेली डिसाइड करिए कि मुझे 6 घंटे रोज़ पढ़ना है, डेली पर डे, तो आप 6 घंटे रोज़ पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम को, ये क्लियरली मेंशन है, ये नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम को, ठीक है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप रोज़ रोज़ चीज़ों को सोचेंगे और आपकी आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ता जाएगा, आपकी डेवलपमेंट होती जाएगी, ठीक है, इसलिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या, फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, स्पीक द ट्रूथ एंड बी ऑनेस्ट। क्या मतलब इसका है? अपनी गलतियों खुद पकड़िए। इसका मतलब कि अगर आप क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपने क्या किया, आप जब कभी गैदरिंग में बैठते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, आपको कोई पूछा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया तो आप बताते हैं, झूठ बोलते हैं कि नहीं मैंने 70 किया जिसमें से मेरा 30 ठो गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप, यानी आप क्या करते हैं, आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं मैंने क्वेश्चन अच्छा किया है लेकिन मेरा एक दो नंबर से छट गया। ऐसा नहीं, अगर आप जो रियल हैं, स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब क्या है, खुद से बोलिए, खुद से आप सच बोलिए कि यस मैंने इतनी गलती की, एक्सेप्ट करिए उसको। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप खुद से झूठ बोल रहे हैं और वो झूठ आपको इस एग्ज़ाम में बिल्कुल फेल करवा सकता है, ठीक है। इसलिए आप कभी झूठ खुद से मत बोलिए, ठीक है, एक पल के लिए दूसरों से झूठ बोल लीजिए लेकिन खुद से झूठ कभी मत बोलिए। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का भी यही सत्य है कि आप खुद से झूठ कभी मत बोलिए। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, खुद से। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन क्या हमारा, स्टडी लेस, थिंक एंड अप्लाई, कोरिलेट देम। स्टडी लेस का मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, कि आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। किसी को देखिए, फ्रेंड्स को या लोगों को देखिए, यार वो तो पढ़ रहा बैठ के, तो आप भी 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़िए। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा, बिकॉज अगर आप ये देखेंगे कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैंने देखा है कुछ लोग 16 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा आप कैसे कर पाएंगे? आप एक दिन अगर 16 घंटे पढ़ लिए तो अगले दिन 16 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे आप, आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप रेगुलर पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कम पढ़ना है लेकिन सोचना उस पर ज़्यादा है, ठीक है, और उसको अप्लाई करना है अपने करंट लाइफ से, अपने प्रेजेंट लाइफ से, अपने आसपास की चीज़ों से, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको लिंक करिए, रिलेट करिए। अगर आप रिलेट कर ले जाते हैं तो वो चीज़ें आपके हमेशा के लिए जहन में बन जाती हैं और फिर वो चीज़ें भूलती नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसको उसको अप्लाई करिए, उसको कोरिलेट करिए, तब वो चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये चीज़ें बिल्कुल करनी है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होंगी आगे, ठीक है। स्टडी लेस करना है हमको, कम से कम पढ़ना है लेकिन सोचना उस पर ज़्यादा, एक घंटे पढ़िए लेकिन चार घंटे सोचिए, ठीक है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट वन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एंड मेक शेड्यूल।
आपको क्या करना है, आपको शेड्यूल बनाना है अपना कि मुझे ये सब्जेक्ट इस टाइम पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। आप शेड्यूल बना करके जहाँ पढ़ते हैं उस टेबल के ऊपर चिपका दीजिए, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स चिपकाइए, छोटे छोटे आप अपना शेड्यूल बनाइए, उसको चिपकाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक महीने का शेड्यूल एक साथ में बना लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप शेड्यूल बनाइए, आप कोशिश करिए कि शेड्यूल केवल कम से कम टाइम का हो। ये नहीं कि 18 घंटे का आपने शेड्यूल बना लिया, उसमें सोने का, खाने का, नहाने का टाइम ही ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और यही टाइम मैनेजमेंट भी होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब, जैसे आपने शेड्यूल बनाया, आपने शेड्यूल के हिसाब से टाइम मैनेज कर दिया कि मुझे 2 घंटे पॉलिटी को देना है, 2 घंटे हिस्ट्री को देना है, 2 घंटे इकोनॉमिक को देना है, 2 घंटे इन्वायरमेंट को देना है, 2 घंटे जियोग्राफी को देना है। इस तरह से आपने टाइम को डिवाइड कर दिया एंड दैट विल बी हेल्पफुल, वो आपका हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। इसमें टाइम मैनेज होगा। अब इसके बाद जो टाइम बचता है, आप उसमें दे दीजिए कि 1 घंटे में थोड़ा, 1 घंटे में खाना बना लूँगा, खाना खा लूँगा। अगर आप रूम पे रहते हो तो आपको खाना बनाना पड़ता ही होगा। फिर उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 6 घंटे सोना है, ये कर लीजिए डिसाइड, उसको शेड्यूल बना लीजिए। फिर उसके बाद नहाने का टाइम कर लीजिए, सोने का, थोड़ा टहलने का टाइम, थोड़ा बहुत कुछ इंटरटेनमेंट करने का टाइम, थोड़ा बहुत मूवी देख लीजिए, या थोड़ा बहुत आपको कोई कॉमेडी देखना वो देख लीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। तो इस तरह से अपना शेड्यूल आप बना लीजिए, ठीक है, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट वन क्या हमारा है, स्टडी आवर्स प्रोडक्टिव। बिल्कुल सही है, ये स्टडी आवर आपको अपना प्रोडक्टिव रखना पड़ेगा। अगर आप अपने स्टडी आवर्स को प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हैं तो देर इज़ समथिंग प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए आप अपने स्टडी आवर्स जो पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका उसका कितना प्रोडक्शन मिला ये आपने देखा? आपने देखा कि मैं 10 घंटे पढ़ा लेकिन 10 घंटे का मुझे आउटपुट बिल्कुल भी नहीं मिला। आप वो चीज़ें पढ़ तो लिए लेकिन वो याद नहीं है, दिमाग से स्किप कर गई, तो ये वो स्टडी करनी ही नहीं है आपको। आप 2 ही घंटे पढ़िए लेकिन वो चीज़ हमेशा याद हो जानी चाहिए, उसको कोरिलेट करेंगे। जिस दिन कोरिलेट करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को लिंक करना शुरू कर देंगे, वो भी चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको स्टडी आवर्स को कम करना है लेकिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है, हैव पेशेंस, बिलीव इन योर सेल्फ। डेफिनेटली अगर आप खुद में बिलीव कर रहे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ इज़ बेटर दैन टू बिलीव इन अदर्स, टू बिलीव इन गॉड। खुद में विश्वास करना, गॉड में या दूसरों में विश्वास करने से काफ़ी अच्छा है। तो खुद पे विश्वास करिए, खुद को टाइम दीजिए, और अपने आप पे विश्वास करने के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना है। अगर आप सपोज यू हैव फेल्ड वंस, आप एक बार फेल हो चुके हैं, देन नेक्स्ट टाइम यू बिकम डिसअपॉइंटेड, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या होता है कि आप थोड़ी बहुत पेशेंस को खोने लगते हैं। तो आपको पेशेंस खोना बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे करना है तो करना है, राइट। खुद पे विश्वास करिए, खुद को पेशेंस रखिए, खुद पे पेशेंस रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन इज नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब है कि जैसे देखिए हम पढ़ाई शुरू करना शुरू कर देते हैं, या घर पे जाते हैं, मान लीजिए टाइम छुट्टी मिलती है, या कहीं थोड़ा बहुत टहलने जाते हैं, या दोस्तों के साथ जाते हैं, तो वहाँ अगर कुछ बातें अलग होने लगती हैं या कुछ निगेटिव चीज़ें आने लगती हैं तो हम उसके प्रति क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने टारगेट से, अपने एम से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटकने लगते हैं, मिसगाइड होने लगते हैं। दैट इज़ वेरी हार्मफुल, वो बहुत ही हार्मफुल है, आपको वो नहीं करना है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लास, क्लास इज़ नेसेसरी और नॉट। क्लास करना हमारे लिए नेसेसरी है या नहीं है, देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप क्लास नए स्टूडेंट हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं, तो आप अपने एजुकेशन के हिसाब से या अपने एबिलिटी के हिसाब से आप क्लास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपका गाइडेंस सही है, अगर आपको गाइडर कोई सही कर रहा, मोटिवेट सही कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको क्लास करने की। लेकिन हाँ, ये चीज़ें याद रखना है कि आपको लाखों लोगों से कम्पेट करना है, दिस इज़ वाई आपको ये ज़रूरी है कि क्लास करना जरूरी है नहीं जरूरी। अगर आपको सिलेबस पता है, सब चीज़ें पता है, मुझे बुक्स पता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, तो कोई ज़रूरत नहीं क्लास करने की। क्लास में वही बताया जाएगा जो बुक्स में है, जो सिलेबस में है। बस क्लास में आपको चीज़ें इस तरह से बताई जाती हैं कि आपको समझ में आ सके। अगर आप एबल हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ, खुद आप समझ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं क्लास करने की, यू डोंट गो टू क्लास, ठीक है। तो आपको क्लास करना ना करना ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप कभी दिल्ली नहीं गए हैं, दिल्ली कुछ लोग बोलते हैं दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है, दिल्ली नहीं गए जाएंगे तो आईएएस क्लियर नहीं होगा, दैट इज़ नॉट ट्रू, वो बिल्कुल ट्रू है ही नहीं। बिना दिल्ली गए बहुत लोग क्लियर कर पाते हैं, बस दिल्ली जाना ये है कि दिल्ली वहाँ पर माहौल है ऐसा, वहाँ पर ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, आप उनके बीच रहते हैं तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इसलिए ज़रूरी होता है।
ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जाना ज़रूरी ही है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, बेस्ट गाइडेंस एंड मेंटरशिप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गाइडेंस अगर नहीं मिल पा रहा है, आप अगर मान लीजिए घर पर तैयारी कर रहे हैं और घर का माहौल ऐसा नहीं है, घर का फ्रेंडशिप आपकी ऐसी नहीं है, या घर के पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स ऐसे जो आपको गाइड करते हो, जो मेंटर करते हो, इसका मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। आपको एक कोई मेंटर अपने साथ रखना चाहिए जो आपको मेंटर करे, जो आपको गाइड करे, ताकि आप चीज़ों को समझ सके और कंटिन्यूस काम कर सके अपने टारगेट के प्रति। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्या हमारा, कि 15 और लास्ट वन है हमारा, ऑलवेज बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, आपको हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव रहेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी, नेगेटिविटी आपके माइंड में लाना ही नहीं है। चाहे आप कोई सिलेबस पढ़ रहे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई पॉलिटिकल इशू हुआ हो, या कोई भी चीज़ें करंट अफेयर्स में चल रही हो, तो आप उसको पॉजिटिव नज़र से देखिए, बिल्कुल नेगेटिव नज़र लाइए ही मत। अगर आप नेगेटिविटी अपने अंदर लाएंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी आपके क्वेश्चंस के आंसर मेंस में दिख जाएगी, और आप वो चीज़ें लिख देंगे, और दैट वुड बी फेटल, वो आपके लिए फेटल हो जाएगा, आपको उसमें फेलर मिल सकती है। इसलिए आपको यह देखना है कि पॉजिटिविटी हमेशा रखना है। कोई भी टॉपिक पढ़िए, करंट अफेयर से लिंक करिए चीज़ों को, और उसको पॉजिटिव वे में देखिए। आप सोचिए कि मैं कितने तरीके से पॉसिबल आंसर का खोज सकता हूँ, उसको देखिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। ठीक है, ओके, तो ये सब 15 पॉइंट्स थे, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो डूज और डोंट्स हैं हमें ये करना है। बाकी नेक्स्ट सिलेबस, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ चीज़ें और लाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक लिस्ट है इंपॉर्टेंट, और क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमें जो पढ़ना है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, गुड।